दोस्तों जब भी हम एक्टर्स और विलन्स को मूवीज में देखते हैं तो वो अपनी असल जिंदगी से काफी अलग नजर आते हैं। उनकी बॉडी मूवीज में एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स की तरह नजर आती है। अक्सर ही आपने हॉलीवुड मूवीज में अजीबो गरीब करेक्टर्स देखे होंगे जिनका असल जिंदगी से कोई लेना देना नहीं होता। आपको लगता होगा कि इन करेक्टर्स को VFX टेक्नोलॉजी की हेल्प से ऐसा दिखाया जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हर बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। असल में हॉलीवुड ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जिससे बिल्कुल असली जैसे बॉडी सूट बिना किसी VFX टेक्नोलॉजी के बनाए जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर हॉलीवुड इतने रियल दिखने वाले बॉडी सूट को कैसे तैयार कर लेता है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के आखिर तक और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों हॉलीवुड के एक्टर्स की लुक को बदलने के लिए कई तरह के तरीकों का इस्तेमाल होता है। प्रोस्थेटिक और मेकअप से एक्टर के चेहरे को बदल दिया जाता है, लेकिन जब बात एक्टर के बॉडी टाइप को चेंज करने की होती है तो ये सब मेकअप से नहीं किया जा सकता। अगर हम बॉलीवुड का एग्जांपल लें तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मेकअप करके उन्हें सलमान खान जैसा नहीं बनाया जा सकता। लेकिन हॉलीवुड ने इस प्रॉब्लम का सलूशन भी ढूंढ लिया है। हॉलीवुड ने ऐसे बॉडी सूट बनाने की तकनीक विकसित की है जो बिना किसी VFX टेक्नोलॉजी के असली बॉडी जैसे दिखते हैं, लेकिन इन बॉडी सूट्स का बॉलीवुड में ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता। बॉलीवुड के ज्यादातर एक्शन सीन्स में VFX टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी मूवी इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। आपने इस मूवी में कुछ ऐसे सीन्स देखे होंगे जिसमें असली मैच के सीन्स को दिखाया गया है, लेकिन उन सीन्स में MS धोनी की जगह आपको सुशांत सिंह राजपूत नजर आए होंगे, जो देखने में ऐसा लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत वो मैच सच में खेले हों। लेकिन ये सब VFX टेक्नोलॉजी का कमाल है जिसमें MS धोनी के फेस को हटाकर सुशांत सिंह राजपूत के फेस को लगा दिया गया। मूवी के एक सीन में तो सुशांत सिंह राजपूत काफी पतले और जंग नजर आते हैं। ये सब भी VFX टेक्नोलॉजी से ही किया गया था। और कई मूवीज में बॉलीवुड एक्टर्स की मस्कुलर बॉडी और उनके सिक्स पैक्स भी दिखाए जाते हैं। ये सब भी VFX टेक्नोलॉजी से ही पॉसिबल होता है, लेकिन हॉलीवुड VFX टेक्नोलॉजी से भी एक कदम आगे बढ़ चुका है। एक्टर्स की बॉडी को रियल और नेचुरल दिखाने के लिए हॉलीवुड बॉडी सूट्स को तैयार करता है। ये बॉडी सूट्स देखने में बिल्कुल रियल और नेचुरल लगते हैं। इन बॉडी सूट्स को बनाने के लिए सबसे पहले एक्टर की बॉडी पर ग्रीन सिलिकॉन रबड़ की लेयर को लगाया जाता है। ग्रीन सिलिकॉन एक्टर्स की बॉडी से बड़ी ही आसानी से चिपक जाती है और इसे रिमूव करना भी बड़ा ही आसान होता है। फिर ग्रीन सिलिकॉन रबड़ के ऊपर ब्लू सिलिकॉन की लेयर को चढ़ाया जाता है। इसके बाद एक्टर की बॉडी पर प्लास्टिक की टेम्परेरी शीट को चिपकाया जाता है जिससे एक्टर की बॉडी के साइज का एक मोल्ड तैयार हो जाता है। इसी मोल्ड के ऊपर बाद में बॉडी सूट को तैयार किया जाता है। आर्टिस्ट इस मोल्ड पर वैसे ही काम करते हैं जैसे कि एक मूर्ति को बनाने में किया जाता है। इस मोल्ड पर सबसे पहले क्ले की मदद से मसल और बॉडी को बनाया जाता है। आर्टिस्ट छोटी से छोटी डिटेल पर काम करते हैं जैसे कि बॉडी पर नसों को ऐसे बनाया जाता है कि वो देखने में रियल और नेचुरल लगे। जब आर्टिस्ट क्ले से बॉडी सूट को तैयार कर देते हैं तो इसके ऊपर थिक सिलिकॉन की लेयर को चढ़ाया जाता है जो बॉडी सूट को मजबूती देता है और इसके टूटने का भी कोई रिस्क नहीं होता। बाद में इस बॉडी सूट के ऊपर एक्टर की स्किन जैसा कलर किया जाता है। ये काम काफी बारीकी से किया जाता है। इसके लिए आर्टिस्ट सबसे पहले एक्टर के फेस कलर को एनालाइज करते हैं, क्योंकि अगर बॉडी सूट का कलर एक्टर के फेस से मैच नहीं करता तो वो देखने में नकली लगेगा। ऐसे ही जब एक मोटे आदमी के बॉडी सूट को बनाया जाता है तो थिक सिलिकॉन की लेयर को चढ़ाने से पहले इसमें बीड से भरे बैग भरे जाते हैं जिससे एक मोटे आदमी जैसा रियल बॉडी सूट तैयार किया जाता है। ऐसे ही इंसान की बॉडी पर आपको बाल देखने को भी मिलते हैं। आर्टिस्ट इन बालों को एक एक करके बॉडी सूट पर सिलते हैं जिससे बॉडी को पूरी तरह से रियल और नेचुरल बनाया जा सके, लेकिन फिर भी बॉडी सूट में एक कमी रह जाती है जिसको दूर करने के लिए VFX टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ता है। असल में बॉडी सूट को पहनने के लिए इसमें चेन लगा होता है। इस चेन को छुपाने के लिए VFX टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो दोस्तों ऐसे प्रोफेशनल आर्टिस्ट और टेक्नोलॉजी की हेल्प से हॉलीवुड मूवीज में बॉडी सूट तैयार किए जाते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही मजेदार टॉपिक्स के साथ।